बच्चा, कृपा सिंधु भाई बच्चा, पतितानं पावने को वैष्णव को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 गौर प्रमानंद हरे कृष्ण। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न किया है, कहते गुरु जी का प्रति हमारी कैसे दृढ़ता विश्वास कैसे रहनी चाहिए। कहते ना जब तक हम गुरु जी के चरण में दृढ़ विश्वास नहीं हो, जथा देवे परा भक्ति जथा देवे तथा भक्ति, जैसे भगवान के प्रति हमारी दृढ़ता है, कहते गुरु जी का प्रति भी हमारे जैसे दृढ़ता। तो शास्त्र ने बताया अगर गुरु जी का प्रति दृढ़ता नहीं, गुरु जी के प्रति साधारण मात्र बुद्धि है, कहते उसका जितने शास्त्र ज्ञान सबके सब निष्फल हो जाता है। जैसे कि गैया, जैसे कि बंध्या गैया, जो गैया दूध बच्चा जन्म देते नहीं देता, दूध नहीं देता, जैसे उसको खिलाना पिलाना क्या हो जाता है, उसको खिलाना पिलाना वो बेकार हो जाता है। कहते उसी तरह जो व्यक्ति गुरु जी का प्रतिदिन का नर बुद्धि है, साधारण विश्वास है, कहते उनका जितने शास्त्र ग्रंथ पढ़ना सब बेकार हो जाता है। बल्कि शास्त्र ने बताया जितने तुम्हारी सेवा प्रति व जितना तुम्हारी विश्वास भगवान में, बल्कि उससे ज्यादा विश्वास तुम्हारी गुरु जी का प्रति। इसलिए किसने प्रश्न किया गुरुपाद में पद्म और किरूप दृढ़ थका दरकार, मतलब गुरु जी के चरण में बस। इसलिए कहते गुरु जी का प्रति कैसे दृढ़ता विश्वास हमारी होनी चाहिए। तो इसका उत्तर में श्री प्रभुपाद कहते हैं प्रकृत शिष्य गुरुपाद पद्म के कृष्ण पृष्ठ सेवक भगवान को लिया जाने। क्योंकि जो वास्तव रूप में जो शिष्य है और गुरुदेव को किस रूप में जानते हैं, जो गुरुदेव है वो तो भगवान का अत्यंत ये प्रिय व्यक्ति से मिलते हैं। जैसे तुम मोदी से मिलना चाहते हो, साधारण भक्त तुम मिल नहीं सकते, लेकिन अगर अमित शाह के साथ में तुम्हारी अत्यंत घनिष्ठ बनता है ना, फिर तो मिलने में कोई दिक्कत नहीं, वो सीधा हाथ पकड़े लेकर आपको वो मिला देंगे। कहते उसी तरह जो गुरुपाद भक्तों को क्या समझनी चाहिए, यदि ये भगवान की अत्यंत लिए निज जन है। इसलिए कहते जब तो गुरु जी की कृपा नहीं हो तो तब तक भगवान नहीं मिलने वाले। इसलिए यहाँ कहते हैं तीनी गुरुदेव के भगवान चाहे कौन अंश कौन मन करे मन। इसलिए कद जो वास्तव जो शिष्य है कद श्री गुरुपाद पद्म को भगवान से किसी अंश में काम नहीं माननी चाहिए उनको किसी अस्थियों की। शास्त्र बताया भगवान ही जब किसी जीव को पर में कृपा करते हैं कद उसी समय में ही वो गुरु जी का रूप धारण करते हुए ठाकुर जी आते हैं। इसलिए हम रोज जाते हैं संसार दावा नली ढलो त्राणाय कारुण घन घना प्राप्त कल्याण गोनर नवास वंदे गुरासी चरणारवि। तो हमारे विश्वनाथ चौटा कहते गुरुदेव को रहे हैं कहते हम संसार में तरह तरह से दुख कष्ट को हम भोग कर रहे हैं, तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, परिवार से दुखी, तरह तरह का दुख कष्ट से भोग कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग कौन है भगवान की बच्चे हैं, कहते हम अमृत से पुत्र उसकी संतान। हमारे दुख को जब भगवान देखते हैं कहते इनका कल्याण कैसे हो है। जैसे आप देखना अगर बच्चे अगर दुखी हो ना पिता माता कोई सुखी नहीं रह सकते। बच्चे अगर सुख पूरे रह रहे हैं अरे पिता माता बच्चे को सुख देकर खुशी होते हमारे बच्चे ठीक ठाक है। लेकिन भले ही पिता माता सही हो लेकिन बच्चे अगर बड़े दुखों कष्ट भोग करते ना तो ना पिता माता को शांति नहीं मिलती है ना, है कि नहीं।
कहते हम भगवान के बच्चे, अगर हम दुख कष्ट भोग कर तो भगवान जी खुश नहीं रहते। इसलिए शास्त्र ने बताया जब कोई जीव भगवान से विमुख होकर चले जाते हैं भूल करके, भगवान रो रो कर उसको पीछे पीछे चल, बेटा एक बार मेरे तरफ तो झांक कर देख ले, बेटा एक बार मेरे तरफ तू देख ले, तुम मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहे हो, तेरे को उधार कैसे मैं करूँगा। हैं भगवान भी पीछे ठाकुर जी भी भागते हैं हमारे पीछे पीछे। इसलिए कहते गुरुदेव कौन है, कहते गुरुदेव और कोई नहीं, कहते भगवान की जो कृपा ही कहते एक मूर्ति रूप धारण करते हुए जगत में है, भगवान की कृपा है। इसलिए कहते किसी गुण में जो गुरुदेव भगवान से कोई कमी नहीं है, कहते निष्कपट शिष्य गुरु के भगवान ने न्याय भक्ति करें पूजा करें सेवा करें। कहते निष्कपट जो शिष्य है वो क्या करते हैं, बोले गुरुदेव को जैसे भगवान को हम सेवा पूजा भक्ति करते हैं, वो क्या करते हैं गुरु जी को भी ठीक वैसे ही सेवा पूजा करते हैं। जब हम जय गुरु देते हैं सबसे पहले जय श्री श्री गुरु, उसके बाद में गौरांग, उसके बाद में गिरधारी, उसके बाद में राधा, पहले श्री गुरु जी को हम जय देते। जब पूजा करते हैं ना सबसे पहले गुरु जी की पूजा करते हैं। इसलिए शास्त्र ने बताया प्रथम तो गुरु पूज्यम, भगवान कहते पहले गुरु जी का पूजा करना उसके बाद में अरे मेरी पूजा करनी चाहिए। कहते जो निष्कपट जो शिष्य है वो क्या करते हैं भगवान की जैसे गुरु जी को भी वैसे पूजा करते हैं। बोले जहारा यही भाव गुरु के बाद सेवा करे ना तहारा शिष्य स्थान ऐसे भ्रष्ट हो जा। कहते जो शिष्य कहते ऐसे गुरुपाद पद्म को क्या सेवा नहीं करते हैं वो क्या होता है, कहते जो शिष्य स्थान से वो वहां से च्युत होना पड़ता है, शिष्य स्थान से गुरु के भगवान के प्रकाश मूर्ति वो अभिन्न विग्रह रूपे दर्शन ना हिले कौन दिन शुद्ध नाम हिले ना। कहते श्री गुरुपाद पद्म को क्या समझनी चाहिए, बोले भगवान की प्रकाश मूर्ति मतलब भगवान ही हमारी ऊपर में कृपा करने के लिए ठाकुर ही ये गुरु रूप में हमारे पास में ठाकुर जी आए। अभिन्न विग्रह रूपे दर्शन ना हिले, अगर श्री गुरुपाद पद्म को भगवत अभिन्न रूप में अगर दर्शन नहीं होता है कहते उनका मुंह में कभी भी भगवान की शुद्ध नाम नहीं निकलेगा। हम इस सरलतार सहित गुरुवानुगत्य श्री गुरु गौरांग सेवा करीब भगवान वाक्य अमार गुरुदेव पर्यंत अच्छे हम इस सही वाक्य यथाथ पालन करीब। यहाँ पर कह रहे हैं कहते हैं कि जो सत शिष्य है उसकी भावना कैसे रहनी चाहिए, बोले आमी सरलतार सहित है, इसलिए कहते हमको भक्ति करने के लिए सरलता होनी चाहिए। एक गुरुदेव को एक रूप में दिखा रहे हैं लेकिन और एक तरह से हम अंदर में सोच करके बैठा होते हैं, लेकिन गुरुदेव को खुश करने के लिए ऊपर से हम और एक तरह का रूप दिखा रहे हैं लेकिन हृदय में हमारी और कोई भावना कैसे नहीं से काम नहीं चलेगा। नियम है गुरु जी के पास में कोई भी चीज हो कोई भी बात हो गुरु जी के पास में बोल देनी चाहिए। मत भक्त नारायण एक समय बोल रहे महाराष्ट्र गृहस्थ करके गृहस्थ महाराष्ट्र उनको दो बेटी हुई, लेकिन गुरुदेव कहते मैंने जब घर छोड़ करके आया अपना पत्नी को बच्चों को जब छोड़ करके मैंने आया मंदिर में, जब मंदिर में गुरु जी के पास में आए भजन किया गुरु जी मैंने सेवा की ठाकुर जी को, कहते कभी कभी मेरा जो मन है ना कभी कभी ये माया में कभी उसी क्या देने के लिए कहते कभी दूसरे चीज में चली जाता है। इतने में महाराज कहते मैंने सीधा मैंने अपना गुरु जी को ये बात बोल दिया, गुरु जी हमारे मन में कभी कभी ऐसे ऐसे चीज आती जो चीज को हमने छोड़ करके आया, पत्नी छोड़ा बच्चा छोड़ा संपत्ति छोड़ा नौकरी छोड़ा सब कुछ हमने छोड़ा है, छोड़ कर गुरु जी की शरण में भजन करने के लिए आया है लेकिन आकर के फिर इस संसार का प्रति मान क्यों जाता है गुरुदेव से। फिर गुरुदेव का देखा है गुरुदेव के बेटा ये चीज को सुन करके हमारे जो गुरुदेव इतने खुश हो गए, इतने खुश उन्होंने ऐसे कुछ गोपनीय बात बताया, महाराज बोल रहे थे ऐसे कुछ गोपनीय बात बताया जो कि गुरु जी के पास नहीं बोलनी चाहिए। अगर किसको प्रति हमारी आसक्ति हम थोड़ी बोलेंगे गुरु जी को हमारी उसके प्रति आसक्ति
गुरुदेव कहते हैं, मैंने ऐसे गोपनीय बात गुरुदेव को बताया, गुरुदेव सुनकर के इतने प्रसन्न हो, बोले अभी तक तो किसी शिष्य ने गुरु जी के साथ ऐसी बात कोई बोला नहीं, तुमने जो अंदर की बात बोलते थे। तो उस समय कहते गुरुदेव मेरे को आशीर्वाद किया, गुरुदेव मेरे को कृपा की, तब से हमारी मन है विषय में उस तरफ में नहीं गया। इसलिए यहाँ पर कहते जो गुरु जी के पास में ना हमें सरलता होकर रहनी चाहिए। हम दिखा रहे हैं एक, लेकिन अंदर में और कोई भावना बैठा हो, यदि भावना नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम सरलता सहित गुरुवानुगति कहते गुरु गौरांगर सेवा करीब, कहते भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, बोले गुरु जी की अनुगत्य में ही सेवा करनी चाहिए। स्वतंत्र भाव में जो सेवा है गुरु जी से, कहते वो सेवा ठाकुर स्वीकार नहीं करते स्वतंत्र भाव से, बोले भगवान रे वाक्य हमार गुरुदेव पर जनता अच्छी। यहाँ कह रहे हैं कहते हमारे जो गुरुदेव का जो वाक्य है ना, कहते भगवान तक है। इसका मतलब है जब गुरु जी के अनुगत्य में हम भगवान की भक्ति साधना करते हैं, कहते भगवान भी वो चीज को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आम इस सही वाक्य यथाजथ पालन करीब, इसलिए गुरु जी के वाक्य को हम क्या कोशिश करेंगे, यथाजथ रूप में गुरु जी की वाक्यों को हमें स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए आमी पृथ्वी कहारो कथा सुनिया गुरु अवज्ञा करीब ना। कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी दूसरे व्यक्ति का संग करके, दूसरे की बात सुन करके ना, कभी कभी गुरु जी का प्रति कभी कभी अवज्ञा हो जाता है। कोई अगर उल्टा पुलटा समझा दिया, इधर उधर बात कर दिया, तब कभी क्या होता है दूसरी की बात सुन करके ना हम गुरु जी का प्रति भी अवज्ञा कर लेते हैं। कई कहते नहीं, हम किसी की बात सुन करके गुरु जी का प्रति कभी अवज्ञा हम नहीं करनी चाहिए। इसलिए आमी कहते कृष्ण पृष्ठ गुरुदेव आज्ञा पालन करते गया, यदि आमा के दाम्बिक होता है, पशु होता है, अनंत काल नरक जाता है, हमी अनंत काल जन्म हमी नरक सही रूप नरक जाते चाहे। यहाँ पर कहते हैं कहते अगर हम गुरु जी की हैं, कहते अगर आज्ञा पालन करने के लिए जा करके अगर कभी कभी हमें दाम्भिक अगर होना पड़ जाए, हम दाम्भिक बने, क्योंकि कभी कभी होता है ना गुरुदेव ने हमें कोई एक आदेश दिया, कोई सेवा के लिए कोई आदेश दिया, जब कोई आदेश दिया कभी कभी क्या होता है, जो ऐसे आदेश दिया कहीं सेवा करने के लिए हम कहीं आदेश दिया, लेकिन ऐसे कुछ सेवा है जहाँ पर थोड़ी सी आपको अहमिका दिखाना पड़ता है, अहमिका दिखाना पड़ता होगा है। अगर कहीं अगर दिखाना पड़ जाए हम गुरु सेवा के लिए करेंगे, जैसे हमारे भक्ति प्रज्ञान कैसे वो सुनी है, उन्होंने तो कभी जिंदगी भर के हम कोर्ट कैसे लड़ा है, जिंदगी भर प्रभुपाद की सेवा के लिए जिंदगी भर केस लड़ा, और हमने क्या किया, कुछ मुसलमान लोग थे और मायापुर में क्या होता था, बहुत सारी महापुर का प्रॉपर्टी था मत का, लेकिन क्या होता था वो दिए मुसलमान लोगों को काम करने के लिए, और नियम है करके आधा देनी चाहिए, उन लोगों ने धीरे धीरे क्या सब कुछ दबा दिया। फिर बाबा लोगों का पीछे कौन है, बाबा लोग पर कुछ बोलेंगे नहीं, बाबा लोग धीरे 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 क्या किया उन्होंने संपत्ति को धीरे धीरे उन्होंने दबा दिया, और कुछ भी संपत्ति ठाकुर का नहीं देते, लेकिन भक्ति प्रज्ञान के विनोद ब्रह्मचार्य थे, जब ब्रह्मचार्य थे उसमें क्या हुआ, वो तो पहले ही जमींदार घर के थे, उनको सारे पता था कैसे किसको क्या करनी चाहिए, जब उनका आकर पता चला कि मुसलमान लोग महाप्रभु का संपत्ति को दबा रखे, जो बोले थे हम खेती करेंगे आधा देंगे दे नहीं रहे, उन्होंने जो उसमें मुखिया व्यक्ति था ना, उन्होंने दो चार व्यक्ति को बुलाया है, वहां पर बुला करके वहां पर जो गौड़ लोग थे, मतलब जो क्या ग्वाला थे, उनको बुला करके उनको पकड़ के लाए, और वहां कटहल का पेड़ था बांध उसको, मारे चाबुक मारे उसको, ऐसे कोड़े मारे ना, बोले तुमने भगवान की संपत्ति को लेकर के आधा देने का था, कहां तुम्हारी संपत्ति, ऐसे मारे उसको पिटाई किया, उसने जाकर गांव में बोल जा भगवान कहां से एक व्यक्ति आया, क्या उसके अंदर में ओजे सुता, क्या पानी, उनको ऐसे ऐसे पिटाई किया, इसलिए सारे गांव के लोग ना जितने मुसलमान सब कांप गए, और कांप करके ना जो टैक्स नहीं दे रहे थे सब टैक्स देना शुरू कर दिया। इसलिए यहाँ कहते हैं प्रभुपाद कह रहे हैं अगर कभी गुरु जी की सेवा के लिए अगर दाम्भिकता बनना पड़े, क्यों ठाकुर की सेवा के लिए, महाप्रभु की सेवा के लिए,
अगर वहां पर दीनता अगर दिखाओगे, जैसे कहते ना हमको तृणादपि सुननी चाहिए ना तर्रपि सहिष्णुना होनी चाहिए हमें, लेकिन सब जगह पर नहीं है। वैष्णव को पास में हम दीन नहीं बनेंगे, सबको पास में दीन नहीं हम नहीं बनेंगे। जो दांभिकता व्यक्ति, जो दुष्ट व्यक्ति के सामने जरूरत पड़ा तो हम दांभिकता बने, क्योंकि अगर किसी ने गुरु वैष्णव की निंदा कर दिया हम सुनकर क्या गुरु वैष्णव का निंदा, अरे नहीं त्रिनाथ नहीं वहां त्रिनाथ भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए गुरु जी उदाहरण देते हनुमान क्या किया, लंका को जला दिया ना, इसलिए जला दिया, माता सीता को रावण ने उठा करके ले आया। कितने राक्षस को रावण, हनुमान ने कितने राक्षस को मारे हैं, एक व्यक्ति को मारने के लिए कितना पाप लगता है, हनुमान तो कितने लोग को मारे, क्यों मारे, भगवान की सेवा। इसलिए ये प्रभुपाद कहते हैं अगर कभी गुरु जी की सेवा के लिए अगर कभी हमको धाम्भिकता बनने पड़े ना, हम वहां पर किसको साथ में शास्त्रार्थ हो रही है, किसने भगवान को रूप को नहीं मानता है, अपसंपर्क है, वहां पर क्या होता है, धाम्भिकता दिखना पड़ता है, हाँ लड़ना पड़ता है। ऐसे नहीं गुरु वैष्णव की ठाकुर का निंदा सुनकर जा रहा है, नहीं वहां पर दांभिकता होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर दांभिकता अगर होता है बनेगी, अगर पशु पक्षी होता है, अगर जानवर भी बन जाना पड़ेगा हम गुरु सेवा के लिए हम बन जाएंगे। अनंत काल नरक जाते हैं, अगर अनंत काल के लिए गुरु सेवा के लिए अगर नरक भी जाना पड़े हम जरक जाने के लिए तैयारी, हमें अनंत काल जने कंट्रैक्ट करिया से रूप नरक जाते चाहिए। अगर गुरु सेवा के लिए अगर कुछ करना पड़े तो हम करने के लिए तैयार। हमारे रामानुज आचार्य जी, उनका शिष्य था कुरेश, जो कुरेश था रामानुज आचार्य जो प्रचार कर रहे थे, ऐसे प्रचार सारा दुनिया में कर रहे थे, गांव गांव में जाकर के घर घर में ठाकुर जी का स्थापन करना, जैसे हम लोग अभी महाप्रभु का धर्म प्रचार करते हैं ना, घर घर में प्रचार करना शुद्ध भक्ति को जाकर सारा दुनिया में प्रचार कर रहे थे। एक राजा था त्रिमेकंठ राजा, वो शंकर जी को पूजा करता था, बोले भैया हमारे शंकर जी का तो नीचा हो रहा है, ये तो भगवान विष्णु की भक्ति, भगवान राधा कृष्ण की भक्ति ऊंचाई होती जा रहे हैं। और रामानुज आचार्य जी का बड़ा उन्होंने प्रताप सुना, बड़े प्रताप, वो स्वयं लक्ष्मण है, इसलिए बड़े प्रताप सुना, सुनकर उन्होंने क्या किया, भले शास्त्रार्थ हो यहाँ पर हमारे पंडित को साथ में, विष्णु बड़ा ना शंकर जी बड़ा, शास्त्रार्थ होगा। उनका शिष्य था कुरेश, तो समझ गए ये तो दुष्ट राजा है, इस शंकर जी को पूजा करता है, शंकर जी को पूजा करता है। अब देखना जो जिसको पूजा करता है ना, सुना गुण उसको अंदर में आता है, जो विष्णु पूजा करेगा देखना उसका हृदय कोमल होगा, शांत होगा, सरल होगा, धीर सो। शंकर जी का अगर जो भक्त होगा ना, जैसे रावण को देखो है, रावण को देखो, भस्मासुर को देखो, क्योंकि जिसको आप भजन करोगे ना उसका गुण कुछ तुम्हारे अंदर में आएगा ही। तो बड़ा दुष्ट है क्रूर राजा, उनका जो शिष्य था पूरे समझ गया ये हमारी गुरु जी को बुलाएंगे और उनके ऊपर कोई अत्याचार करेंगे। तो उन्होंने गुरु जी को पास में गए, बोले गुरु जी आप वहां मत जाए, आपका जो ड्रेस मेरे को देखो, आपका ड्रेस मैं पहन करके आप उनको नाम लेकर के वहां जाओ। और उन्हें नाम को लेकर गए मेरे रामानुज आचार्य, वहां बड़े शास्त्रार्थ तो, एक तरफ में बहुत बहुत बड़े पंडित, एक तरफ में ये बड़ा शास्त्रार्थ तो हुआ, इतने शास्त्रार्थ तो हुआ, लास्ट में जब किसी तरह से वो जीत नहीं पाए, राजा ने पूछा ये पहले बताओ शंकर जी बड़े ना विष्णु बड़े, तो उन्होंने शास्त्र का एक न्याय है, बोले चार ही कौवा में एक शंकर, इसलिए ना चार ही शंकर में एक कौवा, उन्होंने ऐसे कुछ शास्त्र का जो न्याय, लेकिन उसका भाव अलग, लेकिन वो राजा नहीं समझ पाया, बोले हमारे शंकर जी को तुमने छोटा बना दिया, बोले इसको आंख निकाल दो, आंख निकाल दो, जिंदा जिंदा आंख निकाल दो, अभी अंधे हो गए, अंधे होकर के जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं अंधे होकर के। तब घूमते घूमते जब कुछ दूर गए पता चला हमारे गुरु जी यहाँ पर आए, रामानुज आचार्य जी आए, तो उन्होंने गुरु जी को दर्शन करने के लिए गए और गुरु जी इनकी देखा दोनों आंख निकाल के, लेकिन वो साक्षात लक्ष्मण है ना, उनका आंख को बड़े बड़े हाथ मार दिया, तो फिर दो आंख उनकी निकले, दो आंख फिर निकल कर के आए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भैया गुरु सेवा के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयारी है, इसलिए हमी गुरु आज्ञा छाड़िया अन्य कौन लोकर कथा सुनी बनना, इसलिए गुरु जी की आज्ञा को छोड़ करके और किसी की बात हम नहीं सुनेंगे।
इसलिए जगत अन्यान लोकर चिंता स्रोत गुरु पाद पद्म भले है मुठा गाते विदुरित है वे। जगत में बहुत लोगों का बहुत कुछ वाणी है, लोगों का चिंता स्रोत भी बहुत कुछ अलग है, लेकिन श्री गुरुपाद पद्म के बले मुष्टा गाते विदुरित है। लेकिन गुरु जी की कृपा से क्या होगा कि जितने सारे कुसिद्धांत उल्टा पुल्टा चीज सब के सब दूर हो जाएगा। हमारे श्री गुरुपाद पद्म परागर एक टू कोणा छड़ाई या दिले जगतेर कोटि कोटि लोग उधार लाभ करीबे। यहाँ पर गुरु निष्ठा की बात कह रहे, बोले हमारे जो गुरुपाद पद्म है कहते परागर एक टुकड़ा छड़ाया दिले। उदाहरण दिया गुरु जी की चरण कैसे, बोले कमल का फूल जैसे, फूल में जैसे पराग होता है ना, पराग समझती हो क्या बोलते हैं, उसका ऊपर जो छोटी छोटी कणकण रहता है, जैसे कुछ फूल का ऊपर देखोगे ना उसके ऊपर में थोड़ी थोड़ी पाउडर जैसे रहता है, इसे फूल के अंदर उसको कहते हैं पराग। कहते हैं कि गुरुपाद पद्म की है, अगर वो चरण की जो पराग को अगर जगत में छिड़का दिया जाए तो क्या होगा, करोड़ करोड़ लोग का संसार से उद्धार हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद को देखो, हमारे गुरु वर्ग को देखो, कितने लोगों को उन्होंने भगवत भक्ति में लगाया, कितने लोगों को उन्होंने उद्धार किया है। कहते तो उनका चरण का जो धूल है अगर उसको अगर छिड़काव कर देना, करोड़ों करोड़ लोग उससे ही उद्धार हो जाएंगे। एमन कौन पंडित जगत नाई, एमन कौन सद विचार चतुर्दश भुवन नाई, जा ना की हमारे गुरुदेव पाद पद्म धूलिर कणार एक कणा होते हो भारी होते पारे। इसलिए यहाँ पर अपना गुरु जी के चरण में कितने निष्ठा होनी चाहिए, ये बात को यहाँ बता रहे हैं। बोले एमन कौन पंडित जगत नाई, मतलब जगत में ऐसे कोई पंडित नहीं है, एमन कोई सदाचार विचार सद विचार चतुर्दश भुवन नाई, जगत में ऐसे कोई जो सद विचार वाले हैं, ये चतुर्दश भुवन में ऐसे कोई नहीं जो कि हमारी गुरुपाद पद्म धूलि का एक कण से भी भार हो सकती है। मतलब हमारी गुरु जी की जो ओजस्वता जो भार है, दुनिया की कोई पंडित जगत का कोई विद्वान जो कि हमारी गुरु जी के साथ में कोई बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रकृत शिष्य ए रूप सुदृढ़ विश्वास दृढ़ता का प्रयोजन, जो वास्तव जो शिष्य है उसका गुरु चरण में ऐसे दृढ़ता गुरु के चरण में रहनी चाहिए, तब तक है कि उसका जो भक्ति धीरे 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 उसका भक्ति बढ़े है। अगर गुरु जी की अपमान अवज्ञा कर दे, गुरु जी का प्रति तुच्छ ज्ञान हो जाए, कोई ये हो तो भक्ति जगत में करे कोई हमारी भक्ति बढ़ेगी नहीं, भक्ति धीरे 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 हमारे नीचे आती जाएगी, धीरे धीरे नीचे भक्ति आती जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं गुरु जी के चरण में हमारी दृढ़ विश्वास होनी चाहिए, तभी भक्ति हमें कर सकती है। ठीक है, बोले जी गुरुपाद पद्म की लीला, प्रभुपाद की लीला, प्रभु शिष्ट श्री नारायण गोस्वामी महाराज मुझे लीला, प्रभु शिष्ट भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज मुझे लीला, प्रभु शिष्ट भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज मुझे सब परिकर गौर हरि की जय, पिता गौर प्रेमानंदे।